को उठा था, उसकी मम्मी को बहुत परेशान किया, क्या बताएं। ब्रेस्टफीडिंग किसे कर रहा है देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कृपा करके अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। और दोस्तों देखिए, अभी सुबह सुबह उठे हैं माई जी और अभी नाश्ता कर रहे हैं दोस्तों बाहर। और वो उस साइड में देख सकते हैं आप लोग, वो काम चलता है हमारा यहाँ दोस्तों, वो बनाते हैं जो चावल उन्हें का काम देता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अभी तो बैठे हैं और ये देखिए मम्मी जी आए हैं देखे दोस्तों, कुछ सब्जियां बनाएंगे। वो सब्जी लाए थे दोस्तों कल जाके पापा दोस्तों। और दोस्तों कल जो हमने बताया था वो जमीन के बारे में दोस्तों, हमको बोला पापा जी ने भी बोला दोस्तों आप भी नहीं जाएंगे तो अगले वीक जाएंगे दोस्तों। अगले वीक जाके उस फसल कितना हुआ है वो देखने जाएंगे दोस्तों, और वहाँ पर क्या काम चल रहा है, कौन कौन वहाँ पर जो पहरा दे रहे हैं दिखाएंगे दोस्तों, क्या आएंगे क्या क्या काम चल रहा है वो भी देख के आएंगे दोस्तों। फिलहाल तो मेरे बच्चे लोग घर पे क्या कर रहे हैं, चलते हैं उनके पास दिखाते हैं क्या कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों, अंकित क्या पकड़ा है देखिए दोस्तों, अंकित देखिए सुबह सुबह बिस्कुट खा रहा है दोस्तों। मैं देखिए बिस्कुट निकाल रहे हैं, मैं भी देखिए बिस्कुट निकाल रहे हैं दोस्तों। अंकित को एक बार दिया था और दूसरी बार खा रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों एक बार बिस्कुट लेके खाया था दोस्तों और फिर से खा रहा है देखिए अंकित दोस्तों। अंकित को हर टाइम भूख लगता है तो हर टाइम उसको कुछ ना कुछ हमको खिलाना होता है दोस्तों। और मैं देखिए क्या देख रहे हैं, कल बनाया था दोस्तों चिकन थोड़ा सा, वो चिकन को दिखा रहे हैं। कल हमने खाना नहीं खाया रात को दोस्तों, और मैं भी क्या चेक कर रहे हैं तेल दोस्तों, रिफाइन का तेल लाया था इतना बड़ा 500 पैकेट का। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों अभी वो दिखा रहे हैं फिलहाल दोस्तों, और क्या क्या चेक कर रहे हैं चेक कर रहे हैं घर पे दोस्तों, क्या क्या है क्या नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज दोस्तों जाना पड़ेगा फिर से लाने के लिए दोस्तों उस दुकान के पास, सारे घर का सामान लाएंगे दोस्तों। और फिलहाल तो अंकित चाय नहीं थोड़ा सा बिस्कुट खा रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों अंकित मेरा क्या खा रहा है बेटा, बिस्कुट खा रहा है। गुड मॉर्निंग बोलो, कल एक्चुअली मैं जा नहीं पाए दोस्तों खेती देखने, तो अगले वीक जाएंगे दोस्तों देखने के लिए। फिलहाल देखिए माई जी सुबह से काम कर रहे हैं, ना अभी तक थक गए हैं, बैठ के मुँह को पहुँच रहे हैं दोस्तों, किस तरह से आप देख सकते हैं। क्या हो, आँखों से पानी बह रहा है दोस्तों, क्या बताएं आपको से उनकी। और उसकी तबीयत भी थोड़ा सा खराब है दोस्तों, क्योंकि दिन भर काम कर रहता है दोस्तों काम पे। और मेरी बेटी देखिए सो रहा है पीहू वहाँ पर दोस्तों, उसका भी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, क्या बताएं। और रात भर सपना देखता है ना, उसी के बारे में आज सुबह सुबह बोल रहा था, जो सपने के बारे में दोस्तों, कौन सा क्या सपना देख रहा था दोस्तों। माई जी के भी दोस्तों क्या बताएं, उसी टाइप का है दोस्तों, तबीयत उनका भी बहुत खराब रहता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अभी मेरे पास बैठे हुए अंकित दे रहे दोस्तों, इसको कह रहा है दोस्तों क्या बताएं दोस्तों। माई
लड़की को देखिए किस तरह से थोड़ा सा नर्वस हो गए हैं दोस्तों, क्या बताएं। और दोस्तों आ गया है देखिए दोस्तों गुनगुन गया था बाहर दोस्तों, क्या बताएं आप लोगों को। और गुनगुन आया है अभी दोस्तों, और माई जी को चिंता खाई जा रहा है क्योंकि उनका तबीयत जब खराब हो जाता है ना बहुत खराब लगता है, क्योंकि वो ही घर का सब संभालती है ना, सब कुछ संभालती है, खाना बनाना, हमको खिलाना, बच्चे को खिलाना, उसकी बहुत काम करने का रहता है दोस्तों। और फिलहाल तो खा लिया है दोस्तों, देखिए दोस्तों दुख पकड़ के खेलने लगा है दोस्तों, क्या बताएं। ये देखिए दोस्तों अंकित खेलने लगा है, देखिए हाथों पकड़ के कौन अंकित खेलने लगे है दोस्तों, मेरा बेटा दोस्तों, इसका भी हमको ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों, क्या बताएं आप लोगों को। दोस्तों अभी से खेलने लगा है क्योंकि अभी इसको खाया है दोस्तों। ये देखिए आपको बेबी डॉल दिखा रहा है किस तरह से, क्या दिखा रहा है ये, मैं ये को भी देख सकते हैं दोस्तों, उनका भी तबीयत बहुत खराब रहता है, क्या बताएं। उनको बेटा क्या कर रहे हैं वहाँ से, क्या निकलेगा थोड़ा थोड़ा सा हवा निकल रहा है, वही देख रहा है दोस्तों, क्या बात है। माया जी के पास तो खेलने लग गया है दोस्तों, रात को भी उठा था दोस्तों, रात को उठा था, उसकी मम्मी को बहुत परेशान किया, क्या बताएं। उसकी मम्मी को बहुत परेशान किया मेरे बेटे ने, क्योंकि हर टाइम तो देखते रात को, हर टाइम उसके मेरे साथ सोता है, लेकिन हर टाइम उसके उसकी मम्मी के पास जाता है दोस्तों, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए जाता है दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग करने को जाता है और हर टाइम ब्रेस्ट फीडिंग करने लग जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों फिर से ब्रेस्ट फीडिंग करने लग, देखिए अभी अभी बिस्कुट खाया था दोस्तों, फिर से ब्रेस्ट फीडिंग करने जिद कर रहा है दोस्तों उसकी मम्मी के साथ, और उसकी मम्मी उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं क्योंकि क्यों हर टाइम ब्रेस्ट फीडिंग ही करने लगता है दोस्तों, क्या बताएं। और भी नहीं छोड़ेगा ना ब्रेस्ट फीडिंग, तो इस टाइम वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, क्या बताएं आप लोगों को। और दोस्तों वो रात भर ब्रेस्ट फीडिंग करने लगता है, उसका ये चल रहा है 4 साल दोस्तों, 4 साल के बाद जब 4.5 हो जाएगा ना तो उस टाइम ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देगा ये। कितना 5 वर्ष नहीं हुआ है दोस्तों, 5 साल नहीं हुआ है उसका, तो 5 साल हुआ होता तो वो ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देता दोस्तों, फिलहाल तो इसका ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ने का मकसद नहीं है क्योंकि अभी तक ब्रेस्ट फीडिंग ही करने लगेगा, रात भर परेशान कर दिया था दोस्तों, क्या बताएं। और ये देखिए दोस्तों ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कर रहा है, देखिए इसकी मम्मी के साथ दोस्तों, और दोस्तों क्या बताएं आपको, यही सब दिक्कत रहता है दोस्तों। और वो वाला जमीन जब जाएंगे दोस्तों हम लोग दिखाएंगे दोस्तों, अभी तो पापा और मम्मी ने मना किया दोस्तों, क्या बताएं आप लोगों को। और फिलहाल तो मेरे भी माए जी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं दोस्तों, क्या बताएं। और दोस्तों ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और चैनल पे न्यू आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टाटा दोस्तों।